उनके बारे में आप क्या फरमाएंगे कि जो शुयूख इंतकाल कर जाते हैं, तो क्या उनके इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पे जाके उनके मुरीद कुछ सोबते शेख से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनकी सोबते मुर्शिद का नफ़ा ले सकते हैं? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिल्कुल। ये तो उनके अपने शेख मुर्शद या भी कोई भी वली कामिल उसकी कब्र पे जाके मुराकिब होना चाहिए। अच्छा। और ये मुराकिब होते हैं। अच्छा। सुन्नत तरीके से वहाँ जाएं और जो शरीयत इजाज़त दी उसी तरह सलाम करें। सलाम करने के बाद वहाँ बैठ के मुराकबा करते हैं, वो बैठे मुराकबा कर रहे हैं और उनकी रूह के साथ अपनी रूह को मिला के और मुराकबा करके कस्ब फैज़ ले रहे हैं। बाद जो है वो कश्फ कुबूर के अगर माहिर होते हैं वो कश्फ कुबूर भी करते हैं, वो देखते हैं कि ये वली कामिल किस शान और हाल के अंदर वहाँ नजर आ रहा है, अल्लाह उन पर मुनकशिफ करते हैं। लेकिन कस्ब फैज़ के लिए वो पीर मुर्शिद की वहाँ जो है वहाँ बैठ के जो है कस्ब फैज़ करे, नियत करे कि अनवारात अल्लाह तबारक व ताला इनके जरिए से मुझे पहुँचाएं, उनकी तवज्जोहात मिले। क्योंकि जाहिर है कि वहाँ कब्र में वो शेख तो आपको देखता है, आपके सलाम का जवाब भी देता है, तभी तो आप अस्सलाम वालेकुम करते हैं। जी बिल्कुल। जवाब नहीं देते तो सलाम क्यों करते हैं भाई? तो इसका मतलब जवाब भी देता है, वो हम सुन नहीं सकते, ये अल्लाह तबारक व ताला का निजाम है। जी है, क्योंकि देखो ये किरामन कातिबीन ये दोनों जिंदा फरिश्ते मौजूद है ना। अब इसको मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, उसे सुना जवाब भी दे दिया, लेकिन हमें वो शोर नहीं है उस लेवल का हम उनके जवाब को सुन सके। बेशक है। तो इसी तरीके वही वाली बात है, वो लोग जो धोखा देता जी कबर के तो सुनते कहा है, आप सलाम वालेकुम करते हैं खाम को सुनते कहा, मर गया भाई वो तो। जी है, तो भाई भाई वो सुनते हैं जवाब भी देते हैं, और नबी ने ये बात इरशाद फरमाई कि ये सुनते भी हैं जवाब भी देते हैं उमर, लेकिन तुम इसको समझ नहीं सकते। अल्लाह हुक्म। उसकी मोटी सी मिसाल में दिया का तो किरामन कातिबीन ये सुनते भी हैं। जी। आप सलाम वालेकुम करें और भी जिंदा होने के आप कायल हैं, इनको तो आप मुर्दा भी नहीं मानते। जी। जिंदा है सलाम वालेकुम, उन्हें जवाब दिया लेकिन जी हम सुनने का वो शोर हमारा नहीं है। जी। इवन अगर कोई चीज गुम हो जाए, लोग कहते हैं अच्छा अगर चीज गुम हो जाए फरिश्ते से पूछो, आप फरिश्ते पूछो यार मेरी ऐनक कहाँ है पूछो, उसे बता भी दिया है लेकिन उसको समझने का शोर हमें नहीं है। अल्लाह अकबर। ये नहीं है उसे नहीं बताया। जी। तो इसलिए ये कहना कि कब्र के अंदर यार वो मर गया यार, खो ये दरबारों पे दाता गंजबाज के दरबार पे यार लोग बेवकूफ बन रहे हैं, बाबा फरीद गंज शक्कर के दरबार पे बेवकूफ बन रहे हैं, वहां से क्या मिलना है भाई? है वो इमरान खान जो है जो बाबा फरीद के दरबार पे चला गया, क्या बाबा फरीद वजीर आजम बना देगा उनको? है वो वहां जो मुजावर बैठे हैं वो ना वजीर आजम बन जाते हैं अब तक? बिल्कुल। ये बात हुई थी ना, बड़े तो मैंने ये कहा था कि अच्छा अगर ये बात है ऑक्सफोर्ड में पढ़ने से वजीर आजम बनते हैं तो सारे ऑक्सफोर्ड वाले वजीर आजम क्यों नहीं बने? और फिर दूसरी बात ये है कि अब तो वजीर आजम जब बन गया इमरान खान तो फिर अब आपको मान लेना चाहिए कि बाबा फरीद का शक्कर ने कुछ तसरुफ किया। बिल्कुल माशाल्लाह। क्योंकि ये तो आप तो मानो जी। कहते जी वो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की इतनी करामते हैं और अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पे, कहां गया पीरा आपका पीराने पीर? जी। लोगों ने मजाक उड़ाया, इस्तेजा उड़ाई, तो कहां गया पीराने पीर, अब आगे बचाता क्यों नहीं है? तो मैंने उस वक्त कहा था कि भाई पीराने पीर का नंबर तो बाद में आता है, अल्लाह को तो आप मानते हैं ना, अल्लाह तो है, अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? जबरदस्त है, अगर कुदरत ना होने की वजह से पीराने पीर ने नहीं बचाया तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? अल्लाह को तो कुदरत है। अब आप इसका जवाब दे रहे क्योंकि आप अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया? तो आप कह सकते हैं कि जिस मसलत की वजह से अल्लाह ने नहीं बचाया उसी मसलत की वजह से पीराने पीर भी नहीं आ गया है, फिर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक। तो ये असल में औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाना, ये लोग इसको बहुत बड़ा दीन और तकवा समझते हैं, लेकिन वो इंतहाई जलालत और गुमराही की गढ़ों के अंदर फंसे हुए हैं जिनके दिमाग जो है खत्म अल्लाह वाला कुलूबीम वाला समीम वाला अबसार भी गिशावा हो चुके हैं, मोरे लग गई हैं। बिल्कुल। तो कहते जी पीराने पीर क्यों नहीं आया जी, और जी बम गिरा दिया मीनार गिर गए, बम गिरा दिया अमेरिका ने कर दिया, तो लेकिन अब मैं कहता हूं बताओ, अब बताओ अमेरिका का वहां क्या हाल है? इसका मतलब पीराने पीर ने कुछ तसरुफ किया था ना जी, अल्लाह की मशीयत वहां काम आई ना, तो पीराने पीर की करामत अब आप मान जाए कि पीराने पीर फिर एवे नहीं है भाई कि अमरीका को वहां से वापस ही आना पड़ा, इसका मतलब पीराने पीर ने अच्छी तरह वहां घुमा के वापस किया, अब आप करामत माने ना जी। तो लेकिन बात वही है, क्रेडिट देने का हौसला नहीं होता जी, बक बक करने का इंसान को हौसला है लेकिन क्रेडिट देने का हौसला सीखो, इसलिए अगर आपने बक बक की है और आपकी बक बक गलत साबित हो जाए तो फिर आप क्रेडिट भी दें कि यार वाकई बाबा फरीदगंज शक्कर के दरबार पे इमरान खान गया था तो यार इसका मतलब है वाकई औलिया अल्लाह की दुआएं तवज्जो काम करती है, वजीर आजम बन गया ना फिर। बिल्कुल। उस वक्त बड़े ठट्टे उड़ाए थे जी कि यार वहां वहां जाके क्या मिलेगा, ऐसे वजीर आजम बनते हैं
بنا. اب بتاؤ اب مانیں آپ ان کی کرامت کو؟ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اب مانو امریکہ واپس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. تو اس لیے جو دنیا سے چلے گئے بزرگ وہ ان کے وہ تصرفات کرتے ہیں. اس لیے لکھا حضرت کی ملومت مجدد ملت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے وہ جو ہے عجیب بات لکھی ہے, فرمایا کہ وہ ناقص کو کامل تو نہیں کر سکتے لیکن کامل کو اکمل بنا سکتے ہیں روحانی توجہات کے ذریعے. اللہ اکبر. ہاں کامل کو اکمل بنا سکتے ہیں یعنی روحانی توجہات کے ذریعے سے. اور میرے دادا پھر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مجھے زندہ جو بزرگ ہیں ان سے اتنا زیادہ قصب فیض نہیں ہوا جتنا دنیا سے گزرے ہوئے سے فیض ہوا. کیونکہ فرمایا میں نے سب سے پہلی کتاب عالم بننے کے بعد جو لکھی ہے وہ لکھی تاریخ مشائخ چشت. اچھا وہ پہلی کتاب میری وہ پہلی تصریف ہے. اللہ وہ سارے مردہ جو گزرے بزرگوں کے احوال لکھے تھے میں نے. فرمایا کہ وہ احوال میں نے کیا لکھنے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے گزرے اولیاء اللہ کا مجھے فیضان عطا کر دیا. اللہ اور اس سے جو مجھے نفع ہوا ہے زندوں سے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا ان مردوں سے نفع ہوا اور آج وہ قطب العالم بنے. سبحان اللہ قطب العالم کے مقام پہ فائز ہوئے. جی بالکل. اس لیے یہ وہ حقیقت کی نگاہ ہے یہ اہل ایمان کو کھول لینی چاہیے. جی قبل اس کے کہ جنازے اٹھنے لگیں. جی یہ کھول لو آنکھیں, ان کو پتہ نہیں کہ یہ روحانی دنیا کیا ہوتی ہے. جی یہ معرفت کے دروازے اور ابواب کیا ہوتے ہیں یہ مزہ ہی الگ ہے. یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. جی لہٰذا اعتراض اور ٹانٹنگ کرنے والوں کو جی اپنے آگے اللہ کے سامنے جسٹیفائی کریں گے کیسے اس کی فکر کرنی چاہیے. بالکل. اور حضرت یہ بنیادی بات ہے کہ وہ جو اولیاء اللہ جو مرحومین ہو چکے ہیں مردے ہیں وہ بھی تو اللہ کی اذن سے اللہ کی مرضی سے اور حکم سے ہی تصرف کرتے ہیں. بالکل. وہ بالکل. کون سا آزاد اور انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں؟ بالکل. اللہ کے تحت ہی ہیں. تحت ہی ہیں بالکل. اذن کے ساتھ سب کچھ. بالکل.